और मैं एक बात कह रहा हूँ आपके चैनल पर चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ब्राह्मणों से कह रहा हूँ, वर्तमान सरकार से कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से, उसके नुमाइंदों से, शंकराचार्यों से, टॉप मोस्ट इतिहासकारों से एक बात कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? ये बौद्ध संस्कृति नष्ट करने की बात कर रहे हैं ना। सोमनाथ के मंदिर के नीचे भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर है, ये इतिहास को जानते हैं क्या? वो बुद्ध विहार, ये बौद्ध, जो धर्म ईश्वर के नाम पर समाज को टुकड़ों में बांटता है, जो धर्म देवी देवताओं का भय दिखाता है, जो धर्म आदमी को आदमी का शोषण करने का संदेश देता है, जिस धर्म में आदमी आदमी से नफरत करता है, जिस धर्म में मंदिर की चार दीवारी के सामने महिलाओं की बेइज्जती की जाती है, जिस धर्म में आदमी आदमी का हत्यारा बना हुआ है, जिस धर्म में आदमी की मूछ रखने पर हत्या की जाती है, जिस धर्म में आदमी को पानी पीने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो वो धर्म कभी भी आदमी के हित का नहीं हो सकता है। साथियों, जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम रायपुर छत्तीसगढ़ में हैं और यहाँ पर आने का जो उद्देश्य था, जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था बहुजन बौद्ध सम्मेलन का, और यहाँ पर इस सम्मेलन के अंदर में एक खास शख्सियत यहाँ पर उपस्थित थी, उनसे बातचीत हम करने वाले हैं। उससे पहले उनके बारे में मैं बता दूँ, वो शख्सियत है जो कि अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही जो महाबोधि महाविहार है इसके आंदोलन के लेकर वो उनके कर्ता धर्ता हमेशा वो चर्चा में रहते हैं। हम बात करने वाले भदंत आनंद महाथेरो इनसे और जानेंगे कि इस देश के अंदर में 22 प्रतिज्ञा को लेकर जो विवाद चल रहा है और साथ ही प्रबुद्ध भारत की संकल्पना वो किस तरीके से पूरी करना चाहते हैं। भंती जी, मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अखंड भारत का निर्माण सम्राट अशोक ने किया, क्या ऐसे अखंड भारत की संकल्पना फिर से 21वीं सदी में हम क्या कर पाएंगे? ये धीरे धीरे समाज में जो जागृति आ रही है, अभी वर्तमान समय में इस देश का मानव जागृत हो गया है, जिसको गुलाम बनाया, जहाँ आज भी पिछड़ी जाति के लोगों को कथा भागवत करने की बात तो है, लेकिन वो कथा भागवत स्वयं कर नहीं सकते, मतलब वो कथावाचक नहीं बन सकते हैं। ऐसे हालात में जो जागृति आ रही है वो उस बात का इंडिकेशन है कि जिस तरीके से पुष्पित शुंग ने ब्राह्मण बात की स्थापना की, अब इस सदी में लगता है कि देश के लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि पाखंडवाद डोंगवाद के खिलाफ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक जेहाद लोगों ने छोड़ रखा है और बड़े पैमाने में लोग जो है बुद्धिज्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो उस आकर्षण को देख करके मैं ये कह सकता हूँ, मे बी पॉसिबल का आने वाला समय बौद्धमय संस्कृति का होगा और फिर से ये देश अखंड होगा, मजबूत होगा, क्योंकि जात बाद ही इस देश की एकता और अखंडता में सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ी समस्या है। और जातवाद से छुटकारा पाने के लिए आज भारत का हर नागरिक उतावला है, उसके बंधनों को तोड़ना चाहता है। बंती जी, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि 22 प्रतिज्ञा के लेकर जो मुद्दा बहुत ज़्यादा विवाद में था, तो जब बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली तब कोई आपत्ति नहीं थी, आज कहीं ना कहीं हिंदू समाज की जो भावना है क्यों आहत हो रही है? वो वर्तमान समय की जो सरकार आई है वो पूर्णतः राम के नाम पर, राम राज्य के नाम पर वोट पाकर के वो आई है, जिसने देश में स्वतंत्र भारत की धरती पर एफिडेविट बयान देने के बावजूद भी सरकार के सामने वो बाबरी मस्जिद तोड़ करके जहाँ मंदिर बनाया, राम का भव्य मंदिर बनाया, और 16 इतिहासकारों में से 12 इतिहासकारों ने ये कहा कि राम का यहाँ जन्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी साकेत में, बौद्धों की नगरी में, अपने बहुमत के आधार पर, यानी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति के आधार पर, वहाँ पुष्पमित्र शुंग, जो जिसने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए इन बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल किया था, उसका मंदिर बना दिया। ऐसे हालात में अब उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है जो राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, तो उनके सामने जब बौद्ध धर्म के लोग जा रहे हैं तो उन्हें सबसे बड़ी पीड़ा ये हो रही है कि जिनको हमने दंडात्मक कार्रवाई से दबाया हुआ था, जो दबे हुए थे, अब वो उछल रहे हैं। भारतीय संविधान को लोगों को जानकारी हो रही है, तो यहाँ तक कि अब तो पार्लियामेंट में लोग विरोध करने लगे हैं, और जो जातवाद के आधार पर राजनीति चल रही थी उसका विध्वंस करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, तो वो लोग इन 22 प्रतिज्ञाओं को राजनीतिक मुद्दा बना करके एक सांप्रदायिक
जहर पैदा करके लोगों को आपस में लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इसलिए लोग परेशान कर रहे हैं। मेरा कहना ये है, जो लोग सदियों से भगवान की पूजा करते रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा करते रहे हैं, पितृदान करते रहे हैं, पितृपक्ष में जो है अपने माँ बाप को जो है भोजन दान करते रहे हैं, पिंडदान करते रहे हैं, यदि वो लोग जात पात से ग्रसित होकर के तमाम जुल्म अत्याचार का वो शिकार होते रहे हैं और वो संविधान को पढ़ने के बाद बुद्ध दर्शन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, और अगर वो स्वेच्छा से 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से उसका त्याग कर रहे हैं, तो उन लोगों को परेशानी क्यों हो रही है जो लोग दंडात्मक रूप से उनको दबाए हुए थे। लिहाजा किसी भी समाज को लाठी के बूते पर, तलवार के बूते पर झुकाया नहीं जा सकता है। कभी ना कभी तो बगावत होगी। इस आने वाले समय में यानी ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ईश्वरवाद, आतंकवाद, ढोंगवाद के खिलाफ जो जेहाद छिड़ा है और जो लड़ाई आगे चढ़ेगी, मे बी पॉसिबल के वो हिंसात्मक रूप धारण कर ले, लेकिन ब्राह्मणवाद का यानी समापन होना निश्चित है। लोग जागृत हो गए हैं, लोग जान गए हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी भी इस देश में, किसी भी प्रदेश में जब कभी भी कोई रामलीला होती है या कृष्ण लीला होती है, तो कृष्ण युधवंशी थे, यादव वंश में पैदा हुए थे, राम सूर्यवंशी थे, सूर्यकुल में पैदा हुए थे। लेकिन आज भी भारत की धरती पर जब भी रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है, मैं देश के आवाम से ये कहना चाहता हूँ, आखिर उसमें किसी सूर्यवंशी बेटे को राम क्यों नहीं बनाया जाता, उसमें किसी यादव वंशी यादव के बेटे को कृष्ण क्यों नहीं बनाया जाता। ये सबसे ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी चालाकी है कि देवता किसी के भी हों, परमात्मा किसी के रूप में भी अवतरित हो, या विष्णु के रूप में हो या किसी अन्य के रूप में हो, सर्वो सर्वा सबके सिर के ऊपर ब्राह्मण ही बैठेगा। इस नीति को लोग अब जान गए हैं, इसलिए ब्राह्मणवाद खतरे में है। और जो ब्राह्मणवाद खतरे में है, जिसके नाम पर लोग जो पेट पाल रहे थे, देवी देवताओं के नाम पर जिनकी रोजी रोटी चल रही थी, वही लोग बढ़ चढ़ करके इन बातों का विरोध कर रहे हैं। बंती जी, आपने कहा कि ब्राह्मणवाद कहीं ना कहीं डरा हुआ है, और जिस तरीके से इस देश के अंदर में बुद्धिस्ट कल्चर या फिर बुद्धिज्म को अपने आने वाले लोग कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम देखें तो हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं, रामराज उस देश के अंदर में लाना चाहते, और दूसरी तरफ उन्होंने नई संसद भी बना ली। हमारा सम्राट अशोक का जो चिन्ह था, है ना, वो चिन्ह को भी उन्होंने एक रौद्र रूप दिया, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी संस्कृति को कैसा वो मिटाना चाहते हैं? देखो, ऐसा है, जिस समय भारतीय संविधान की रचना होने के लिए समिति का प्रारूप तैयार करके एक समिति गठित की थी, उस समय समिति में बहुत सारे लोग थे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी संविधान के निर्माण की डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर आई। ठीक है, जिन लोगों ने ये पार्लियामेंट बनाया या जो सिंह का जो रूप वहाँ प्रदर्शित किया है, एक दृष्टि से उनका मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है कि जब कोरोना आया तो प्रधानमंत्री ने लोगों ने कहा सभी लोग थालियां बजाएं, तो सभी लोगों ने थालियां बजाई। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छे दिन आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, लोगों ने कहा आने चाहिए हाथ खड़े करके। उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए, सब लोगों ने समर्थन किया। तो उनको ये लगता है कि हमने जो लोगों को मूर्ख बनाया, उस मूर्खता का नशा लोगों के ऊपर चढ़ चुका है, लेकिन अच्छे दिन का जो ख्वाब दिखाया, काला धन आने की जो उन्होंने बात की, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास लेने की जो उन्होंने बात की, ये प्रधानमंत्री, ये सरकार, इसके नुमाइंदे उस बात पर खड़े नहीं उतरे। ना तो बेरोजगारी की समस्या हल हुई, ना काले धन आने की यानी बात पूरी हुई, ना ही उन्होंने सबका साथ सबका विकास लेने की जो बात की वो पूरी हुई। बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, देश में अत्याचार बढ़ रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, वो सरकारी प्रतिष्ठानों को बेच रहे हैं, उसका जो है निजीकरण करके जो है बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में उसको सौंप रहे हैं। जब मान लीजिए वर्तमान सरकार समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों को बेच देगी, जब कोई चीज़ बचेगी नहीं, तो ये सत्ता फिर किसके लिए रहेगी, ये सत्ता फिर किसके ऊपर चलाएंगे? जब वो सरकारी प्रतिष्ठान ही समाप्त हो जाएंगे,
रेलवे जब बिक जाएगी, निजीकरण हो जाएगा, हवाई जहाज बिक जाएंगे, बैंकें बिक जाएंगी, सारी चीज़ें सब समाप्त कर दी जाएंगी, तो केवल आदमी रह जाएगा। और जब आदमी भूखा मरेगा, जब आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा, जब आदमी को रोटी नहीं मिलेगी, तो बगावत तो आदमी करेगा। और जब भूखे आदमी को रोटी नहीं मिलेगी तो वो रोटी के लिए कुछ भी करेगा। जब आदमी को काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ भी करेगा। चोर बनेंगे, उचक्के बनेंगे, बदमाश बनेंगे, डाकू बनेंगे, लुटेरे बनेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब भूखे इंसान को रोटी नहीं मिलेगी तो वो पूंजीवाद को ही चबा जाएगा। जब आदमी को रोटी नहीं मिलेगी तो आदमी आदमी को ही जिंदा खा जाएगा। उस हालात में न कोई देवता काम में आएगा, न भगवान काम में आएगा। क्यों नहीं कि आदमी को रोटी चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए, भूखे को रोटी चाहिए, नंगे को कपड़ा चाहिए। और जब सरकार इस काम को नहीं कर पाएगी तो ये सरकार तो अपने आप सड़क पर आ जाएगी, नहीं तो वो लड़के उखाड़ के, वो लोग जो है भूखे नंगे लोग जो हैं, इस सरकार को उखाड़ के सड़क पर खड़ा कर देंगे और कह देंगे तुम नालायक हो, तुम सत्ता नहीं चला सकते हो, हमारी भुखमरी को दूर नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। बंदी जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि देश के अंदर में एक हाहाकार वाला माहौल है, साथ ही धर्म को लेकर एक राजनीति चल रही है, तो बहुजन समाज को बुद्धिज्म के माध्यम से किस तरीके से आप ट्रैक पर लाना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, जो धर्म आदमी आदमी के बीच भेद करता है, जो धर्म ईश्वर के नाम पर समाज को टुकड़ों में बांटता है, जो धर्म देवी देवताओं का भय दिखाता है, जो धर्म आदमी को आदमी का शोषण करने का संदेश देता है, जिस धर्म में आदमी आदमी से नफरत करता है, जिस धर्म में मंदिर की चार दीवारी के सामने महिलाओं की बेइज्जती की जाती है, जिस धर्म में आदमी आदमी का हत्यारा बना हुआ है, जिस धर्म में आदमी की मूछ रखने पर हत्या की जाती है, जिस धर्म में आदमी को पानी पीने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो वो धर्म कभी भी आदमी के हित का नहीं हो सकता है। क्योंकि धर्म आदमी को जोड़ता है, धर्म आदमी को प्यार करना सिखाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम एक बार धर्म को आदमी की रक्षा करने के लिए छोड़ सकते हैं, एक बार हम किसी महिला की इज्जत बचाने के लिए मंदिर में नहीं जा सकते, उसकी हम इज्जत बचाएंगे, लेकिन जहाँ धर्म के नाम पर मानव का शोषण हो, उसे गुलाम बनाया जाए, वो धर्म ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता है। धर्म का संबंध दो आदमियों के बीच का नैतिक संबंध है, और जब आदमी का नैतिक पतन हो जाएगा और आदमी आदमी पर विश्वास ही नहीं करेगा तो धर्म को मानेगा कौन? जब आदमी ही जिंदा नहीं रहेगा तो इन देवी देवताओं की पूजा करने के लिए कौन आएगा? खाली ब्राह्मण अपना पेट बजाएगा, ताली बजाएगा, या उसमें आरती किसकी उतारेगा? पत्थरों की उतारेगा। इसलिए धर्म के लिए आदमी का जिंदा होना जरूरी है। यदि कहीं दुनिया का मालिक है तो उसका नाम लेने के लिए भी आदमी जिंदा होना जरूरी है। और जब आदमी नहीं रहेगा तो न कोई देवता काम में आएगा, न भगवान काम में आएगा, न कोई नीति काम में आएगी, न लाठी काम में आएगी, न तलवार काम में आएगी। साथ ही बंदे जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सम्राट अशोक ने बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 84,000 स्तूप बनाए, जहाँ जहाँ बुद्ध गए वहाँ वहाँ पर उन्होंने स्तूप बनाए, वहाँ पर शिक्षा केंद्र बनाए, आज कहीं ना कहीं हमको उसकी हालत बहुत जर्जर अवस्था में दिखती या फिर कहीं ना कहीं नहीं मिलती, तो ऐसे में बौद्धों की संस्कृति कैसे बच पाएगी? देखो, बौद्धों की संस्कृति कभी नष्ट नहीं हुई, ये ब्राह्मणों को लगता है नष्ट हो गई। आज भी धरती को खोदो तो बुद्ध निकलता है, ठीक है। और मैं एक बात कह रहा हूँ आपके चैनल पर, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ब्राह्मणों से कह रहा हूँ, वर्तमान सरकार से कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से, उसके नुमाइंदों से, शंकराचार्यों से, टॉप मोस्ट इतिहासकारों से एक बात कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? ये बौद्ध संस्कृति नष्ट करने की बात कर रहे हैं ना। सोमनाथ के मंदिर के नीचे भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर है, ये इतिहास को जानते हैं। क्या वो बुद्ध विहार ये बौद्धों को सौंपेंगे? जितने भी बड़े बड़े पुराने मंदिर हैं, सारे बुद्ध विहारों का रूप बदल करके देवी देवताओं में उनको स्थापित किया है। आज भी तमाम बुद्ध की प्रतिमाएं हैं जिनकी, यानी भावभंगम उस उनकी उसको जो है प्रभा को क्षतग्रस्त करके नाना प्रकार के देवी देवताओं से पूजा जा रहा है। तो बुद्ध की संस्कृति कभी नष्ट नहीं हुई। बुद्ध का सोच एक वैज्ञानिक सोच है, बुद्ध एक फिलॉसफी है, बुद्ध एक दर्शन है, यूनिवर्सल है। बुद्ध कहते हैं भूख सबसे बड़ा रोग है। कौन दुनिया में ऐसा आदमी जिसको भूख नहीं लगती है? भूख, भगवान बुद्ध बोलते हैं नाम और रूप है, बगैर रूप के कोई नाम नहीं है, बगैर नाम के कोई रूप नहीं है। बुद्ध कहते हैं आदमी को वेदना है, तकलीफ है। बुद्ध कहते हैं दुख है, दुख उत्पन्न होने का कारण है, कारण का निवारण, निवारण का मार्ग है।
बुद्ध जो है एक ऐसी विचारधारा है जो कभी मरती नहीं है। आदमी नंगा पैदा हुआ, नंगा मरेगा, ये बुद्ध का दर्शन कहता है। कितने भी आदमी, आज एक ज़माना वो था जब एक औरत कपड़े जब ना लेती थी तो धोती भीग जाती थी, आधी पहनती थी, आधी सुखाती थी। आज ये ज़माना है कि साड़ियों से अलमारी भरी हुई है, औरत सोचती है आज कौन सी पहनूं। आदमी कितने भी कपड़े बदल ले, लेकिन उसका रूप तो नहीं बदल सकता। प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए के सूट पहन ले, लेकिन नाम तो नरेंद्र दास मोदी रहेगा, है ना। इसलिए बुद्ध ये कहता है, जब तक तेरी तृष्णा का विनाश नहीं होता, जब तक रूप के प्रति तेरा आकर्षण समाप्त नहीं होता, जब तक तू नाम और रूप के परिवर्तन को नहीं समझता, नाम भी परिवर्तनशील है, रूप भी परिवर्तनशील है, हमेशा रूप रहने वाला नहीं है, हमेशा नाम रहने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्ध की संस्कृति अखंड है, अभेद है, अच्छेद है, नष्ट होने वाली नहीं है। ये कोई किताब नहीं है, ये कोई शास्त्र नहीं है, ये कोई मूर्ति नहीं है जो आदमी छत्कृत खस्त कर देगा। बुद्ध एक चिंतन है, बुद्ध एक जीवन का एक आधार है, बुद्ध जो है जीवन जीने की एक ऐसी कला है जिस पर आदमी चल करके सुख को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बुद्ध पहले भी नष्ट नहीं हुआ, आज भी नष्ट नहीं होगा। 33 करोड़ देवता एक साथ एकत्र होकर के और सारे सृष्टि के मालिक एक साथ होकर के अगर बुद्ध के दर्शन को समाप्त करना चाहें तो इनके बाप भी नहीं कर पाएंगे। बुद्ध पहले भी जिंदा था, बुद्ध आज भी जिंदा है, बुद्ध कल भी जिंदा रहेगा, ये उसको रोक नहीं पाएंगे। और भारत का संविधान जो सबको जीने का बराबर का हक देता है, इनके फरिश्ते भी उस पर अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन ये इस तरह की कला को अपनाएंगे, इस विचारधारा को अपनाएंगे, उस दिन ये सड़क पर आ जाएंगे। दुनिया सब देख रही है, डेमोक्रेसी प्राप्त करने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए किसी एक कौम ने शहादत नहीं दी, किसी एक जाति ने शहादत नहीं दी, उसमें तमाम मजहब के लोग मारे गए, उसमें तमाम जाति के लोग मारे गए। तो एक जाति का ये देश नहीं है, बहु जातियों का ये देश है, और बहु जाति के लोग ही इस पर शासन करेंगे। एक जाति के, एक जमात के लोग इस पर शासन नहीं कर पाएंगे, ये प्राकृतिक नियम है। बंती जी, आप जो महाबोधि महाविहार है इसके आंदोलन को लेकर हमेशा चर्चित रहते हैं और सुर्खियों में रहते हैं, और मैं पूछना चाहूँगा कि इस आंदोलन को लेकर आप जो बहुजन समाज है इसको क्या आप अपील करना चाहेंगे? वो एक कानून है, बिहार सरकार का बुद्धगया मैनेजमेंट जो है, टेम्पल जो है, एक कानून है, उसका नाम है बुद्धगया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट 1949। तो पहली बात तो ये है, बुद्ध गया मंदिर नहीं, बुद्ध मंदिर भी नहीं है। जो कहते हैं बुद्ध गया मंदिर, तो बुद्ध गया में केवल एक ही मंदिर है क्या? वो महाबोधि विहार है, लोगों ने उसको टेम्पल बना करके चर्चित किया, बुद्ध गया टेम्पल। वो बुद्ध गया टेम्पल नहीं, बुद्ध गया महाबोधि विहार है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो एक्ट है वो राजनीतिक एक्ट है, उसमें ये प्रावधान है कि बिहार सरकार 3 वर्ष के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बनाती है, प्रबंधन समिति बनाती है, जिसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध रहेंगे और डीएम जो है वहाँ का चेयरमैन रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट निरपेक्ष होती है, वो किसी एक जाति का समर्थन नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार ने कानून बनाया 4 हिंदू 4 बौद्ध होंगे, डीएम उसका चेयरमैन रहेगा। अभी आंदोलन करने से सेक्रेटरी बुद्धिस्ट बना और अभी भी सेक्रेटरी बुद्धिस्ट चल रहा है, पहले हिंदू ही डीएम हो, अभी कानून में संशोधन ये हो गया, कोई भी डीएम वहाँ का चेयरमैन हो सकता है। तो वो एक राजनीतिक एक्ट है, इसलिए बहुजन समाज के लोगों को एकताबद्ध होकर के संविधान की रक्षा के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। और जिस दिन बहुजन समाज की सरकार सेंटर में होगी, उस दिन ये महाबोधि विहार भी बौद्धों के हाथ में होगा। क्यों? मैं चैनल के माध्यम से सभी देश के दर्शकों को और सभी जाति के लोगों को बोल रहा हूँ, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का जो फैसला हुआ, कोई भी उसकी एविडेंस नहीं है, कोई भी उसका प्रमाण नहीं है। सिविल सूट में किसी भी जजमेंट के लिए एविडेंस का होना कंपलसरी है, प्रमाण का होना बहुत कंपलसरी है। 16 इतिहासकारों में से 12 इतिहासकारों ने ये कहा कि राम कभी यहाँ पैदा हुआ ही नहीं, लेकिन जज ने ये आदेश दिया कि भावना के आधार पर ये फैसला दिया जाता है कि वो जगह
राम जन्मभूमि है, इसलिए वो राम जन्मभूमि को न्यास को दी जाती है। और मुसलमानों को खुश करने के लिए कहा, मुसलमानों को भी ज़मीन दी जाती है जहां वो अपनी मस्जिद बनाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या रामलला ने मुकदमा दायर किया था? क्या रामलला को कभी नोटिस जारी किया गया? क्या कभी रामलला अदालत में आए? क्या कभी रामलला ने अपने गवाह पेश किए? क्या रामलला ने कभी एविडेंस दिया? क्या कभी रामलला ने ये कहा कि ये मेरी जन्मभूमि है? क्या कोई इस बात का प्रमाण है कि राम माँ पैदा हुए थे तो किस जगह पैदा हुए थे, वो जगह कितनी थी, 3 फुट की थी, 4 फुट की थी, 10 फुट की थी? ऐसा नहीं है कि पूरी अयोध्या में ही राम पैदा हुए थे। हाँ, अयोध्या नाम की नगरी में अगर पैदा हुए थे तो किसी एक जगह पैदा हुए होंगे, पूरे अयोध्या में नहीं पैदा हुए होंगे। तो जिस तरह से सरकार ने बहुमत में आने के बाद उस हिंदू मुस्लिम के विवाद को एक झटके में समाप्त किया, कैसे कि उस जमीन का अधिग्रहण कर लिया और ट्रस्ट बना करके राम जन्मभूमि न्यास को दे दी, क्योंकि राम जो है विष्णु के अवतार थे। मैं प्रधानमंत्री से कहता हूँ, ये प्रधानमंत्री, न्यायप्रिय प्रधानमंत्री, सबका विश्वास लेके, सबका साथ लेके, सबका विकास करने की भावना करने वाले प्रधानमंत्री, क्या आप बुद्ध को, जो लोग बताते हैं कि वो भी विष्णु के 9वें अवतार थे, तो क्या वर्तमान प्रधानमंत्री जी महाबोधि बिहार की जगह का अधिग्रहण करके राम जन्मभूमि की तरह से ट्रस्ट बना करके महाबोधि बिहार को बौद्धों के हाथ में सौंपेंगे? यदि नहीं तो ये अन्याय होगा, और इस अन्याय के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरेंगे। जब तुमने राम पैदा न होने पर भी राम का मंदिर बना दिया, सारी दुनिया कहती है कि महाबोधि बिहार बौद्धों का है, वो आज नहीं तो कल बौद्धों को सौंपना पड़ेगा, नहीं पूरी दुनिया के देशों में हम ये साबित कर देंगे कि इस देश की सरकार बौद्धों में जाके झूठ बोलती है और बुद्ध के नाम पर पैसा लाती है, और जो भारत की धरती पर हिंदू संस्कृति की स्थापना करने में खर्च देती है। इसलिए दुनिया के बौद्धों, क्या भारत में बौद्ध संस्कृति को नष्ट करने के लिए पैसा देते हैं या बौद्ध संस्कृति की सुरक्षा के लिए पैसा देते हैं? जाग जाओ, और जो नकाबपोश शैतान बुद्ध के नाम पर तुम्हें धोखा दे रहे हैं उनको पैसा देना बंद करो, सही माने में वो पैसा बौद्धों के हाथ में दो। एक बात और कह रहा हूँ मैं, अभी कुछ बड़े बड़े लोग RSS के माध्यम से जो चीबर पहन करके भिक्षु बने हैं, जैसे वो जो बना है कौन, मलिक है ना, पहले उसने बुद्ध का रोल किया था, अरुण गोबिल जो कभी राम बना था, अब वो भी क्या कह रहे हैं, हम विदेशों में जाएंगे, भिक्षु बनेंगे। RSS के लोग कुछ भिक्षुओं के माध्यम से ये मूर्तियाँ बांट करके हमारे देश के लोग जो है ना, थाईलैंड की मूर्ति हम लगाएंगे, हम थाईलैंड में जाएंगे। मैं उन मूर्ख लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जिस बुद्ध की धरती पर बुद्ध ने सारे विश्व को प्रज्ञा की ज्योति दी, जहाँ सारे दुनिया के लोग बुद्ध की उस भूमि का दर्शन करने आते हैं, यहाँ की मिट्टी ले जाकर अपने घरों में पूजते हैं, बोध वृक्ष के पत्तों की पूजा करते हैं, इसलिए विदेशों के गीत गाने वाले लोगों, गाल बजाना बंद करो। बुद्ध भारत की धरोहर है, बुद्ध भारत की संस्कृति है, हमें भारत की धरती पर बुद्ध की प्रतिमा, वो प्रतिमा चाहिए जो भारत के कलाकारों द्वारा निर्मित है। किसी भी विदेशी मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने से हम बौद्ध नहीं हो जाएंगे, हम मानसिक गुलाम पहले भी थे, आज भी है। इसलिए बुद्ध ने कहा, अत्थ दीपो भव, अपना दीपक आप बनो, अपने घर में उजाला करो, तुम्हारे घर में अंधेरा है, दूसरों के घर में उनमें जो है कैरोसिन का तेल जलाकर रोशनी करने वाले मूर्ख हो, पहले अपने घर में तो उजाला करो, उसके बाद दूसरों के घर में जाके उजाला करो। ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बुद्ध जिंदा है, जिंदा रहेगा, चाहे कोई भी एड़ी चोटी का जोर लगाए, बुद्ध के दर्शन को कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। आखिरी सवाल यहाँ पर मैं बंते जी पूछना चाहूँगा कि प्रबुद्ध भारत की संकल्पना को लेकर आप पूरे बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रबुद्ध का मतलब है बुद्ध जीवी, जो बुद्धि को जाने। तो हम लोगों की बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, और जब आदमी की बुद्धि का विकास होगा
तो मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाएगा। जिस दिन आदमी मानसिक गुलामी से मुक्त होगा फिर बुद्ध भारत अपने आप बन जाएगा, क्योंकि आवश्यकता अपने माँ बाप को जानने की है। जिन माँ बाप ने हमको पैदा किया, अगर वो नहीं होते तो हमको क्या मालूम था कि देवी कौन है, देवता कौन है, भगवान कौन है। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा, सर्वप्रथम तुम्हें अपने माँ बाप की पूजा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं, उनसे बड़ा कोई देवता नहीं, उस माँ से बड़ी कोई देवी नहीं। जागो मूर्खो और अपने माँ बाप की पूजा करो। तुम्हारे घर में ही भगवान है, तुम्हारे घर में ही देवी है, क्यों भटक रहे हो बाहर? अपने आप में झांको और झांक करके फिर बुद्ध भारत की रचना करो। तो यहाँ पर आपने देखा कि काफ़ी सारी बातों पर यहाँ पर हमने चर्चा की भंते जी के साथ में, और उन्होंने उन तमाम बातों के ऊपर में सटीक अपने जवाब दिए। भंते जी का कहना है कि प्रबुद्ध भारत की संकल्पना तभी पूरी हो पाएगी जब अपने घर परिवार में आप बुद्धिज़्म का इम्प्लीमेंट करेंगे, बुद्धिज़्म के विचारों को, बुद्ध के विचारों को अपने घर परिवार में अंगीकृत होंगे, और साथ ही अपने माता पिता को ही आप सही मायने में अगर ईश्वर मानते हैं या आप उनकी अगर ही पूजा करते हैं तो आप बुद्धिज़्म को पूरे भारत के अंदर में प्रबुद्ध भारत इस देश को बना सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आप इस पूरे चर्चा को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, वो प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बना रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।